नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, शरम योगी सरकार जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान, मोदी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाडी हजारांचा जोर जुल्म के चक्कर में भाजप सरकार का निषेध असो, भाजप सरकार का निषेध असो, भाजप सरकार का निषेध असो। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, बड़ी ही दुख की बात है कि हमारे देश में संविधान को कुचला जा रहा है, हमारे देश में काले कानूनों को लागू कर दिया जा रहा है। तानाशाही एक तरह से हमारे देश में फैली हुई है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात आज का ये विरोध प्रदर्शन कह रहा है और हकीकत भी है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से हमारी जो तानाशाह केंद्र सरकार है, किस तरह से लोगों के विरोध के बावजूद 3 कृषि कानूनों को लाने पर अड़ी हुई है और उन्हीं 3 कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। वो विरोध अपनी जगह है, किसान विरोध कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित हुई, बड़ी शर्मनाक घटना घटित हुई। वहाँ एक बीजेपी से जुड़े हुए मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में किसान के साथ में एक पत्रकार और कुछ लोग, कुल 8 लोगों की 9 लोगों की मौत हुई है। और उस घटना के बाद भी अभी तक उस घटना के आरोपी जो है वो खुले घूम रहे हैं, लेकिन ये जो दमनकारी सरकार है, इस दमनकारी सरकार ने विपक्ष को आवाज उठाने से दबाया हुआ है। आपने देखा मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी 2 दिनों से बहुत कुछ चल रहा है। बड़े बड़े बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को हिरासत में लिया गया है, लेकिन उन कत्ल करने वालों को हिरासत में नहीं लिया गया है। इसी बात को मुद्दा बनाकर वसई के अंदर आज आम आदमी पार्टी ने एक आक्रोश प्रदर्शन यहाँ रखा है। इस समय हम खड़े हैं वसई के डिपो के पास का ये महानगर पालिका प्रभाग एच का यह क्षेत्र है, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ इस तरह का ये प्रदर्शन जारी है। हम बात करते हैं यहाँ जो पार्टी के पदाधिकारी है उनसे और जानना चाहते हैं कि उनका क्या इस बारे में कहना है। जो भी हो, पार्टी के पदाधिकारी, अभी आम आदमी पार्टी, उनके साथ में कुछ संगठना भी साथ में है जुड़ी हुई, वो जो भी कहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि इस समय जो देश में चल रहा है, जो तानाशाही का माहौल इस समय देश में है, ये आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए कतई सही नहीं है। आम आदमी पार्टी के ऊपर या दूसरी पार्टियों के ऊपर राजनीति करने का आरोप लग रहा है और लगना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा ये नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर अच्छे के लिए राजनीति किया जाए, किसी के दुख को बांटा जाए, तो उसमें किसको क्या हर्ज हो सकता है। ये सरकार जो है किसी के दुख को बांटने के लिए भी नहीं मौका देते, कहते हैं। वसई से यूसुफ अली। सर, आपका नाम? जी, मैं जॉन परेरा, आम आदमी पार्टी वसई विरार अध्यक्ष। सर, वैसे पूछने की जरूरत तो नहीं है कि आज का ये आंदोलन क्या है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आंदोलन की रूपरेखा के बारे में बताइए। आपने कुछ समय पहले कहा ये सरकार दमनशाही सरकार है, 3 काले कानून देश में लागू किए हुए हैं, उनके खिलाफ हमारे किसान जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। जो चीज मांगी नहीं है वो थोप रही है। ये 3 ही कार्य कानून मांगी नहीं थी, फिर भी सरकार किसानों के ऊपर लादना चाहती है और अपने जो भांडवलशाही उद्योगपति है, अंबानी जी और अदानी जी,
उनके भले के लिए ये आज की सरकार भाजपा सरकार अपनी हुकुम साहब के तौर पे ये सब काले कानून लागू करना चाहती है। बात ऐसी है जो चीज मांगी नहीं वो दे रही है, और जो चीज मांगी है कुछ साल पहले चुनाव हो गए थे तब सभी पार्टियां ने एक अपने मैनिफेस्टो में एक बताया था कि हम सब किसानों के लिए, भाजपा पक्ष ने भी, भारतीय जनता पक्ष ने भी अपने मैनिफेस्टो में एक चुनाव पत्र में जाहिर किया था कि हम किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग का सिफारिशी इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका अमलबजानी करेंगे, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ नहीं। उस स्वामीनाथन आयोग के कमीशन ने जो एक बड़ा सुझाव दिया था MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो दिया ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर किसानों की पूरा जमीन खींचने के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए और यहाँ उद्योगपतियों को भला करने के लिए जो चीज मांगी नहीं है वो तीनों काले कानून सरकार लाए हुए, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे, वो आंदोलन तड़पने का चिरने का काम या आज की भाजपा सरकार हुकूमशाही सरकार कर रही है। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी उसके बारे में क्या? लखीमपुर में जो घटना घटी है बहुत दुर्दैवी है, बहुत दुर्दैवी का बहुत शर्मनाक घटना है। उस जिले में उस जगह पे हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे, उस किसानों का आवाज दबाने के लिए एक केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री या कोई गृह राज्य मंत्री जो है उसका लड़का, उसने सीधा गाड़ी चला दिया, पत्रकार से लेके 8 लोगों को उसने उधरी को कुचल दिया और उसको शहीद कर दिया। ये पूरा दुनिया में, दुनिया के लिए शर्मनाक घटना है, भाजपा सरकार का हम इसके खिलाफ, उसके लिए हम निषेध करते हैं। आपके साथ में आज कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी पार्टियों का आपको सपोर्ट है और कौन सी संगठन आपके साथ? मेरे ख्याल से यहाँ एक जागृति युवा सेवा संस्था है, हमारा निर्भय जन संस्था के कार्यकर्ते भी है, यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी कार्यकर्ते आ चुके हैं और बाकी सारे जो है आम आदमी पार्टी के लोग हैं, सब लोग यहाँ जितने भी है। अभी बहुत लोग आना चाहते थे लेकिन पुलिस का एक अपना एजेंडा है, कोविड के वजह से ज़्यादा आदमी ज़्यादा आंदोलन करते मत लेके आओ, कोविड के वास्ते जितना भी आप उसको प्रादुर्भाव रोकने के लिए या आंदोलन करने के लिए शासकीय नियमों के पालन करें उसके मुताबिक ये हम आंदोलन कर रहे हैं। मित्रांनो, विशेषतः उत्तर प्रदेशामध्ये रोज घडणाऱ्या घटना जर आपण पाहिल्या तर आपल्या लक्षात येईल की उत्तर प्रदेशामध्ये लोकशाही अगदी शेवटचा श्वास घेत आहे, मरत चाललेली आहे। आणि त्याचंच एक उदाहरण 3 दिवसापूर्वी लखमीपूर खिरी ह्या गावामध्ये घडलेलं आहे की आपल्या दिल्लीचे गृह राज्यमंत्री मिश्रा ह्यांचा मुलगा स्वतःची जीप आणतो आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर घालतो आणि 5 शेतकरी त्या ठिकाणी पिस्तूलने मारून टाकतो, टाळ्या घासल्या वाजवता, निषेध करा, निषेध करा, निषेध करा, मोदी सरकारचा हाय, नरेंद्र मोदी हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, शरम करो, शरम करो, शरम करो, शरम करो, शरम करो, शरम करो, गृह राज्य मंत्री मिश्रा यांना त्वरित कॅबिनेट मधून काढून टाका, त्यांचा राजीनामा घ्या आणि त्याच्या मुलाला अटक करा, ही आमची मागणी आहे। ती मागणी कोणी ऐकत नाही कारण हे सरकार एवढं बहिरं झालेलं आहे की तुम्ही किती आंदोलन करा, किती आरडाओरडा करा तर हा आवाज तिकडे जात नाही आणि मोदी आपलं तोंड उघडत नाही। आदित्यनाथ तर हे मौनी बुवाच आहेत आणि ते अजिबात कोणत्याही गोष्टीवर बोलत नाहीत, म्हणून मला आपल्याला सगळ्यांना विनंती करायची आहे की जिथे जिथे शक्य होईल त्या ठिकाणी जागृत निर्माण करा, रस्त्यावर या, आवाज द्या, लोकांना उठवा, नाही तर ही लोकशाही आता संपत आलेली आहे। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम सब एक है, हम सब एक है। प्रिय साथियों, किसान को लेकर के आंदोलन चल रहा है जो है,
कहने का मतलब किसान अपने मांगों के लिए 10 महीने से बैठा है और जो 3 काले कानून मोदी जी ने पास कर रहे हैं और उस पर कोर्ट ने भी प्रतिबंध लगा दिया है, रही बात तो उसमें कहने का मतलब किसान अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। अपने भारत देश के हर नागरिक को चाहिए, हम नौजवान माने छात्र नौजवान मजदूर किसान सब एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है और उनको जगाया जाता है वो जागते भी नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि इस देश में एकदम अत्याचार हो रहा है, सरेसर अत्याचार। रिक्शे वालों को परमिट के नाम पे रिक्शा दिया गया, उनसे 1,00,000 रुपया मोदी जी ने ऐट लिया और वो कैसे, उन्होंने 15,000 का DD बनवाया और लगभग 70,000 रुपये जो है कि वो GST ले लिया, तो कितना हो गया और उसके बीच में दलाल खा गए, मिला करके टोटल मोदी जी ने रिक्शे वालों से 1,00,000 रुपया ले लिया और जनता से भी कितने पैसे लूटे आपके ऊपर आपके सामने नजरिया है। उन्होंने बैंक को बंद कर दिया और जिनके खाते में पैसे थे, खाते में पैसे पूरा न होने के कारण जो गरीब आदमी थे उनके भी पैसे को लूट लिया, माने कि वो बोलते थे कि खाता में अगर पैसा बराबर नहीं है 2,000 के ऊपर तो उनका पैसा काट दिया जाए। ऐसे अरबों खरबों रुपये काट करके मोदी जी ने किसको दिया, अडानी और अंबानी को। सब ये पैसे जितने भी लूट रहे हैं सब किनको जा रहा है, अडानी और अंबानी के। अभी आप सुने होंगे कि उनके माने कि गुजरात में जो अपना पोरबंदर है उस पर कुछ जो है कि मारपीट करने का मतलब वो पकड़ा गया और वो किसका था, हम तो सीधे कहेंगे तो उन्हीं लोग के हैं। इसके पहले भी ये लोग कहने का मतलब ड्रग्स मंगा करके उसका कारोबार करते हैं और छुपे रुस्तम उसका काम करते हैं, लेकिन मोदी जो है कि मोदी के पास कान ही नहीं है, कहने का मतलब उनके पीछे वो मोदी गोदी मीडिया जो है उनका प्रचार प्रसार करती है और उनका ही सुनते हैं और जो मीडिया दूसरा प्रचार करती है उनके कानों तक पहुंचाते हैं, उनको उनको पता नहीं चल पाता है। तो हम कहेंगे कि भारत के जितने भी नागरिक हैं जोर शोर से आंदोलन होना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और छात्र नौजवान मजदूर किसान एक हो, छात्र नौजवान मजदूर किसान एक हो, छात्र नौजवान मजदूर किसान एक हो, किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए, किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। 3 काले कानून रद्द करो, 3 काले कानून रद्द करो। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।